खुशामदीद, रमजान इश्क है। आज हम बात कर रहे हैं बुखल, फजूल खर्ची, कनात, दरमियान का रास्ता, जो मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उस्वा है, जो उनकी तालीम है, जो उनका पैगाम है, जो अल्लाह ताला का हुक्म है, जो हमारी जिंदगी में वो जो एक ईमानी मामलात हैं, नमाज पढ़ी, रोजा रखा, एक दीनी मामलात हैं कि हमने अपने आप को अल्लाह ताला के मुताबिक ढाला, अपनी जिंदगी को उस तरह से बसर किया जैसे वो चाहता है कि उसके बंदे जिंदगी गुजारें, और उसमें ये एक दौलत जो कनात की है, जिसको ये नसीब हो, वो दुनिया का सबसे मालदार, सबसे अमीर तरीन इंसान के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी दुआओं में मांगा करते थे। सो आज हम उसका तस्करा कर रहे हैं। लेकिन सदीक इस्माइल साहब मेरे साथ मौजूद हैं, और अगर इजाजत हो आप लोगों की, तो एक बहुत खूबसूरत कलाम याद है, बचपन में मुझे याद है, सुना हुआ था, मदीने का सफर है सालिम साहब, और मैं नमदीदा नमदीदा, तो अगर उसकी आपसे फरमाइश करें। माशाल्लाह, ये कलाम प्रोफेसर इकबाल अजीम मरहूम ने लिखा है, और इकबाल अजीम का नात कहने का ही अपना एक मखसूस और मुनफरिद अंदाज के फरमाते हैं कि इकबाल अपनी चश्मे बसीर से काम लो, ये क्या जरूर के आंख से रोजा दिखाई दे। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। मदीने का सफर हो रहा है और नाप भी कहते जा रहे हैं, वाह। सल्लू अलैल हबीब। एक महफिल में मैं ये कलाम सुना रहा था, इस नात के शायर इकबाल अजीम मरहूम, अल्लाह उनके दर्जात को बहुत बुलंद फरमाए, आमीन आमीन। जब मैंने उनके सामने ये शेर पढ़ा है, किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, एक ना भी न शख्स अपने जज्बात का इजहार कर बैठा। जब मैंने ये शेर उनके सामने पढ़ा है, तो इकबाल अजीम तड़प उठे और फरमाते हैं कि इस शेर को अब यूं ना पढ़ो। एक कैफियत उन पर तारी हो गई, और उसी कैफ के आलम में फरमाते हैं, खुद पुकार उठे, पहले तो लिखा किसी के हाथ ने मुझको सहारा दे दिया, अब क्या फरमा रहे हैं डॉक्टर साहब, कि नबी के
संजीदा संजीदा अपनी कैफियत बयान कर रहे हैं कि बसारत खो गई लेकिन बसीरत तो सलामत है। बसारत तो सलामत है। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना दीदा। मदीना हमने देखा है मगर ना दीदा ना का नजारा। नजर उस संत उठती है मगर दुस्दीदा दुस्दीदा। मदीने का सफर है और मैं दीदा की फजाओं को सलाम। या रसूल अल्लाह तेरे दर की फजाओं गुम्बदे खजरा की ठंडी ठंडी छाओ सलाम। गुम्बदे खजरा।
والسلام बहुत लंबे लंबे रोजे हैं, डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा हो रही होती है, लगता है कि प्यास लग रही है, जो लोग बाहर खासतौर पे काम कर रहे होते हैं उनकी आसानी के लिए तीन चीजें हैं, जैसे गुले नीलूफर कहते हैं, उस वैसे तो शरबत नीलूफर भी मिलता है मार्केट में, फ्लावर्स हैं और उनाप और मिस्री, आप तीनों को हम वजन लेकर पाउडर बना लें। उनाप के जो बीज होते हैं वो आप हटा लें, इन तीनों को आप पाउडर बना लें, इसका एक चम्मच कहवे की तरह हल्के से पानी में उबालकर, डेढ़ कप पानी में जब एक कप रह जाए तो ये सहरी में पिए, इससे प्यास की शिद्दत बहुत कम रहती है। बिल्कुल सही। हाँ, तो ये करने, ये क्योंकि, और हमेशा मैं एक बात बोलती हूँ कि सहरी में दही का इस्तेमाल लाजमी करें। ठीक है। और जो शुगर पेशेंट्स हैं, जी जी, उनके लिए कुछ गाइड कीजिएगा कि जो शुगर के मरीज हैं उनको रोजा बासहूलत रहे, शुगर हाई अपना हो। देखिए, शुगर के मरीजों को प्रोटीन तो लेना चाहिए ना, प्रोटीन जो है वो देर तक स्टे करें और रेज्ड ना हो, तो इसकी वजह, इसके लिए भी उनके लिए अच्छा है कि वो दूध दही या अगर उनका इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ें ऐसी हैं कि वो शुगर पेशेंट कर सकते हैं, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि आप इतना लें या इतना ना लें। सही। और दूसरी बात एक है कि अदरक और पुदीना दही के साथ ब्लेंड करके, जैसे छाछ या लस्सी बनाते इस तरह करके उनको लेना चाहिए। अच्छा, मिसेस उमेर, कितने लोग आपको मिसेस उमेर कहते हैं? बहुत कम। बहुत कम ना, कैसा लगता है वैसे किसी जगह पे मिसेज उमेर लोग आपको कहें तो? आदत सी नहीं है, सदफ उमेर ही सब कहते हैं। सदफ ही। अच्छा, किसी जगह पे आपको अपना बताना हो, ऑर्डर पिज्जा का दिया आपने, जी पिज्जा वाले ने पिज्जा लेके आना और उसे कहना जी किस नाम से ऑर्डर बुक करें, तो क्या कहती है वहाँ पे? मैडम सदफ। जी मैडम सदफ। हाँ, अच्छा? अगर वो मुझे जानते हैं तो सही। जी जी सदफ। सो वो जो एक मिसेज उमेर का वो जो एक है वो नहीं, मिसेज लगारी अच्छा लगेगा। मिसेज लगारी अच्छा लगेगा, लेकिन आपका नाम तो अब सदफ उमेर हो गया, अब सदफ लगारी तो रहा ही नहीं। मैं समझती हूँ औरत की अपनी पहचान होनी चाहिए, मेरी वो पहचान है। वो है। एंड यू प्राउड ऑफ दैट? यस। वेरी गुड। अच्छा, आपकी खास पेट चीज जो कि जरूर आपने सहरी पे खानी होती है और इफ्तार पे खानी होती है? लस्सी। पीनी होती है? डेफिनेटली। दोनों टाइम? हमारे घर में सारे शरबत बैन है, सारी ड्रिंक्स बैन है यहाँ से भी, और बच्चे भी इंटरेस्टेड नहीं होते, लेकिन लस्सी एक ऐसी चीज है, हम शाम में प्लेन लस्सी पीते हैं तारी में, और सहरी में हम मैंगो लस्सी पीते हैं। अच्छा, तो बर्गर के साथ लस्सी पीते हैं? नो बर्गर। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, नॉट एट ऑल। सही। तो फिर खाने में क्या चलता है साथ? बच्चों के लिए पराठे और इस तरह अंडा, कोई सालन हो गया, दाल हो गई, प्रोटीन का इंटेक हम रखते हैं जिससे उनका के डाइजेशन ज्यादा देर में। ठीक है, चलो हम बातचीत अपनी कंटिन्यू करेंगे, लेकिन इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है और फिर आपसे हो रही है मुलाकात। रमजान इश्क़।